दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के सेकंड पार्ट को। तो अगर आपने अब तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि ओंजो के डैड रेस्क्यू कैंप से भाग रहे थे ताकि वो ओंजो को बचा सकें, लेकिन तभी ओंजो के डैड के गोली लग गई थी जिसे वो पानी में डूबने लगे थे। अब सेवंथ एपिसोड की शुरुआत में हम कई सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि योसान में आकर जिंदा बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इधर हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि गोली बस उन्हें छूकर निकली थी जिससे अब उनकी जान बच गई है। अब ओंजो के डैड छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं स्कूल में बाकी सभी उसी रूम में छुपे हुए थे। यहाँ नामरा को गुइनाम ने काट लिया था, इसीलिए सुयोक नामरा के साथ सबसे दूर बैठा हुआ था। यहाँ अब सुयोक नामरा को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। नामरा भी सुयोक से कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद हम फिर से उन्जी को देखते हैं। उन्जी को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। अब उन्जी को एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं। उन्जी उस क्लासरूम में जाती है तो यहाँ उसे एक टीचर मिलते हैं जो कि यहाँ छुपे हुए थे। उन्जी को बहुत भूख लगी थी और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ रखी फिश को जिंदा ही खा जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद उन्जी ज़ॉम्बी तो नहीं बनी, लेकिन उसके अंदर भी कई चीजें बदल चुकी हैं। अब ये देखकर वो टीचर समझ जाते हैं कि उन्जी का दिमाग खराब हो चुका है। वो उन्जी पर हमला करते हैं, लेकिन इससे उन्जी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उन्जी भी एक ज़ॉम्बी की तरह उन टीचर को खाने लगती है। इधर नामरा की भी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी जिससे उसे बाहर की आवाजें आने लगती हैं। यहीं उसी रूम में उन्जी को अब वॉमिट होने लगती है। वो टीचर उन्जी के काटने के बाद अब एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहीं नामरा महसूस कर पा रही थी कि उसकी सुनने की शक्ति बढ़ चुकी है। नामरा सबसे कहती है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, यहां खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद ये सभी लोग यहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वहीं बाहर हम गुइनाम को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा था। गुइनाम को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, लेकिन उसने भी खुद को कंट्रोल कर रखा था जिसके बाद से वो भी ताकतवर हो गया है। अब गुइनाम को एक आवाज सुनाई आती है। गुइनाम आवाज का पीछा करता है और अपने बुली गैंग के बॉस के पास पहुंच जाता है। वो लड़का गुइनाम को नॉर्मल समझ रहा था और उससे कहता है कि तू उधर की तरफ भाग और मैं कैंटीन की तरफ भागता हूँ, जिससे ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाएंगे और हम लोग कैंटीन में मिलेंगे। गुइनाम समझ जाता है कि ये तेज चल रहा है और मुझे खतरे में डाल रहा है। गुइनाम ये करने से मना कर देता है। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं बॉस भी हूँ, तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन ये सुनकर गुइनाम बाहर आता है और उस लड़के को बाहर निकालकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देख अब कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गुइनाम उसे ज़ॉम्बीज़ को खिला देता है। फिर गुइनाम चोंगसान को मारने का फैसला करता है और चोंगसान के पास जाने लगता है। यहीं उसी रूम में ये सभी लोग रूम में रखी चीजों से रूम को दो हिस्सों में बांटने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ म्यूजिक बजा देंगे और जब एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ अंदर आएंगे तो ये सब दूसरी तरफ से भागकर बिल्डिंग की छत पर चले जाएंगे। अब ये सब अपने प्लान को अंजाम देने लगते हैं। इधर ओंजो के डैड सोल्जर से छुपते हुए एक खाली पड़े पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें ज़ॉम्बी दिखते हैं। वो यहाँ से बंदूक और गोलियां उठाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे जाने लगते हैं। यहीं क्लासरूम में ये सब लोग उस रूम को दो हिस्सों में बांट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मिंजी और हारी अपने दोस्तों के साथ आर्चरी रूम में थी। यहाँ इनके दोस्त को चोट लग गई थी, इसीलिए ये लोग उसे उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। मगर तभी कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ भागते हुए आते हैं, इसीलिए ये लोग वापस अंदर आकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वही डिटेक्टिव उसी आदमी के साथ चोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में छुपा हुआ था। यहाँ इनके साथ एक छोटी बच्ची और हिसू का बेबी भी था और अभी ये चारों यहाँ से भागते हैं। तभी इनके पीछे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज से बचकर भागते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक घर की छत पर वही व्लॉगर मिलता है जो कि यहाँ ज़ॉम्बीज के साथ कोलैब करने आया था, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ चुके थे, जिसके बाद वो व्लॉगर इस घर की छत पर आकर फंस गया। अब वो ब्लॉगर डिटेक्टिव को देखकर उनसे मदद मांगता है। डिटेक्टिव उसे बचाने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी दूसरा लड़का उन्हें यहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं क्लासरूम में चियोंगसान और बाकी सभी ने रूम को दो हिस्सों में बांट दिया था और अब ये लोग एक तरफ के दरवाजे को खोल देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। ये लोग यहाँ म्यूजिक भी प्ले कर देते हैं जिससे इस फ्लोर पर मौजूद सारे ज़ॉम्बी म्यूजिक की आवाज़ सुनकर अंदर आने लगते हैं, लेकिन अब भी कई सारे ज़ॉम्बी बाहर थे, इसलिए ये सब लोग यहाँ रखी चीज़ों को जोर जोर से बजाते हैं जिससे सारे ज़ॉम्बी इस रूम में आ जाते हैं। ये लोग अपने बनाए बेस से उन्हें रोक रहे थे क्योंकि ज़ॉम्बीज अभी भी बाहर थे, लेकिन अब इनके बेस पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोल्जर्स के कमांडर को देखते हैं। यहाँ अब वही पॉलिटिशियन जो ओंजो के डैड के साथ रेस्क्यू होकर यहाँ आई थी, वो कमांडर को बुलाती है और उन्हें बताती है कि हमारा एक फायर फाइटर स्कूल में अकेले ही बच्चों को बचाने गया है और बच्चे अभी भी स्कूल में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको तुरंत ही एक रेस्क्यू टीम को बच्चों को बचाने स्कूल में भेजना होगा। ये जानकर कमांडर अपने साथी से पता करते हैं कि अब तक हम स्कूल से कितने बच्चों को बचा चुके हैं। इस पर उनका साथी उन्हें बताता है कि हमने अब तक स्कूल से किसी भी बच्चे को नहीं बचाया। ये सुनकर कमांडर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को योसान स्कूल भेजने का ऑर्डर देते हैं।
इधर स्कूल में ये सब देखते हैं कि रास्ता अब साफ हो चुका है, इसलिए अब ये सब लोग उस रूम से बाहर निकलकर बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं। लेकिन गुइनाम भी इनकी तरफ ही बढ़ रहा था। क्लासरूम में वो सारे ज़ॉम्बीज भी बाहर निकलकर इनकी तरफ आने लगते हैं। अब तभी ही एक रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ जाती है। इधर ये सब छत पर जाने के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि दरवाजा तो दूसरी तरफ से लॉक है, क्योंकि इस वक्त छत पर उंजी का वही डरपोक दोस्त छुपा होता है। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। उंजी का दोस्त भी दरवाजा नहीं खोलता। इधर नामरा ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर सबसे कहती है कि ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर कुछ लोग ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़ॉम्बी जब ऊपर आते हैं तो ये लोग ज़ॉम्बी को रोकने लगते हैं। यहीं कुछ लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं खुलता। यहीं छत पर रेस्क्यू टीम उंजी के दोस्त को देख लेती है। वो यहाँ आकर उसे बचाकर ले जाने लगती है। इधर सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, तभी गुइनाम चेंगसन को मारने ऊपर आ जाता है। वहीं नीचे उंजी अब आराम से स्कूल से बाहर जा रही थी। अब एक एक करके उंजी के सामने वही सारे लोग आते हैं जिन्होंने उंजी को काफी परेशान किया था, लेकिन अब वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। मगर उंजी के लिए ये काफी नहीं था। उसने इस स्कूल में काफी कुछ सहा था, इसीलिए अब वो दोबारा से अंदर आती है और स्कूल के अंदर आग लगा देती है। यहीं गुइनाम चेंगसन के पास पहुंच चुका था। चेंगसन उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो चेंगसन को मारने लगता है। तभी नामरा की सरक जाती है, उसकी एक आंख लाल होती है और वो गुइनाम को एक हाथ से उठाकर नीचे फेंक देती है। यहीं छत पर उंजी का दोस्त रेस्क्यू टीम से कहता है कि यहाँ सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और मैं ही अकेला बचा हूँ। ये सुनकर रेस्क्यू टीम बिना कुछ देखे ही सिर्फ इसे ही यहाँ से ले जाने लगती है। तभी उंजी के नीचे आग लगाने की वजह से इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं और ये दरवाजा खुद ही अनलॉक हो जाता है। ये सभी लोग तुरंत छत पर आते हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखता है। ये सब उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज आवाज की वजह से रेस्क्यू टीम तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। लेकिन उंजी का डरपोक दोस्त इन्हें देख लेता है, मगर वो मतलबी रेस्क्यू टीम को ये नहीं बताता। यहीं गुइनाम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ ही खुद टूट जाता है, इसीलिए वो वापस चला जाता है। नीचे पानी से आग बुझने लगती है। यहीं उंजी अब बाहर आती है और एक साइकिल उठाकर यहाँ से जाने लगती है। इधर छत पर चेंगसन समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज के काटने के बाद गुइनाम ने खुद को ज़ॉम्बी बनने से कंट्रोल कर लिया है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई है और इसी वजह से वो मर नहीं रहा। चेंगसन सुयोग से कहता है कि शायद नामरा भी उसी के जैसी हो जाएगी। सुयोग कहता है कि ठीक है। इसके बाद ये सब लोग छत पर SOS का साइन बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इन्हें ऊपर से भी देख सके। यहीं ऑन्जो के डैड ज़ॉम्बीज से बचते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। वहीं डिटेक्टिव उसी व्लॉगर के साथ उस घर की छत पर फंस चुके थे। ये लोग उन ज़ॉम्बीज को आवाज से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनका वही साथी जो कि इन्हें छोड़कर भाग गया था वो अब बस लेकर यहाँ आ जाता है। ये देखकर ये दोनों बस के ऊपर कूदते हैं। इसके बाद ये लोग बस से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं स्कूल की छत पर वो सब बातें कर रहे थे। तभी शाम होने वाली थी, इसीलिए ये लोग लकड़ियों को घिसकर आग जलाने लगते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी आग नहीं जलती। तभी नामरा इन्हें अपना लाइटर निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे कभी कभी स्मोक करने की आदत है। सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले सभी लोगों को नामरा अकेली रहने वाली एक टॉपर लड़की लगती थी, लेकिन वो तो कुछ और ही है। खैर ये सब अब आग जलाते हैं। अब रात हो जाती है। डिटेक्टिव उसी बस के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी इनकी बस उंजी से टकरा जाती है। डिटेक्टिव तुरंत ही बाहर आकर उंजी को देखते हैं, लेकिन उंजी को कुछ भी नहीं होता। डिटेक्टिव उंजी से कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो तो हमारे साथ चलो, हम लोग रेस्क्यू कैंप की तरफ जा रहे हैं। तभी यहाँ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। डिटेक्टिव उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ मत करना, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। ये देखकर सोल्जर्स इन्हें यहाँ से रेस्क्यू कैंप की तरफ ले जाने लगते हैं। वहीं आर्चरी रूम में वो चारों फंसे हुए थे। यहाँ अब मिंजी हारी से तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेने लगती है ताकि आगे इससे वो ज़ॉम्बीज को मार सके। वहीं छत पर वो सभी लोग आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। ये लोग अब अपना मूड ठीक करने के लिए गाना गाते हैं। वहीं नीचे अब नायन उस रूम के स्टोर रूम से बाहर आती है। यहाँ कोई भी नहीं था। नायन को यहाँ वही कैमरा मिलता है। नायन उस कैमरे को उठाकर स्टोर रूम में आकर उन सभी की वीडियो देखने लगती है। यहाँ अब नायन को एहसास होता है कि उसने बाकी सबके साथ काफी गलत किया था, इसीलिए वो यहाँ से फूड उनके लिए ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब उसने ग्योंगसु को ज़ॉम्बी बनाया था तो सबने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था, इसीलिए अब नायन उन सभी लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहीं बैठ जाती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिस पार्क ने उसे बचाने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी थी, और जब वो ज़ॉम्बी बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि नायन तुम सबके पास वापस चले जाना और उन लोगों से माफी मांग लेना, सब पहले जैसा हो जाएगा। इसीलिए अब नायन उनके सेक्रीफाइस को बचाने और मिस पार्क की बात मानकर सभी लोगों के सामने जाने का फैसला करती है। वो दोबारा खाना उठाती है और बाहर आती है, मगर अब नायन के सामने गुइनाम आ जाता है और गुइनाम को भी काफी तेज भूख लगी थी। वो अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और नायन को ही मारकर खा जाता है। वहीं छत पर सभी लोग अपने दिल की बातें कर रहे थे। यहाँ सभी एक दूसरे को बताते हैं कि वो किसे पसंद करते हैं।
चियोंगसान भी ओंजो को बता देता है कि वो ओंजो को पसंद करता है। ओंजो ये सुनकर यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। चियोंगसान उसके पास आता है और उससे बात करता है। चियोंगसान ओंजो से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। ओंजो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। वहीं गुइनाम नायन को खाने के बाद अब खिड़की से बाहर आता है और पाइप को पकड़कर छत की तरफ बढ़ने लगता है। यहीं ओंजो चियोंगसान से थोड़ी दूर होने के लिए कहती है और फिर अकेले बैठकर रोने लगती है। तभी गुइनाम ऊपर आ जाता है, वो ओंजो को मारने लगता है। सभी ये देख लेते हैं, चियोंगसान ओंजो को बचाने आता है लेकिन गुइनाम उसे गिराकर उसकी आंख इंजर्ड करने लगता है। तभी ओंजो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन गुइनाम ओंजो को दूर फेंक देता है। तभी सुयोग आकर चियोंगसान को बचाता है। सुयोग अब गुइनाम को मारने लगता है लेकिन गुइनाम ताकतवर हो चुका था, वो सुयोग को भी मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन फिर यहाँ नामरा भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। इधर सभी लोग मिलकर गुइनाम से लड़ रहे थे लेकिन गुइनाम उन सबको मारकर दूर फेंक देता है। तभी सुयोग दोबारा उठता है और उसे मारने लगता है लेकिन गुइनाम फिर से सुयोग को मारता है। यह देखकर नामरा जलती हुई लकड़ी उठाती है और उसके मारती है। नामरा अब गुइनाम से लड़ने लगती है, वो ताकत में गुइनाम के बराबर हो चुकी थी और नामरा सुयोग की मदद से गुइनाम को यहाँ से नीचे फेंक देती है। यहाँ अब इन सब की जान बच जाती है इसीलिए ये लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी गुइनाम अब भी नहीं मरता, वो दोबारा उठने लगता है। वहीं रेस्क्यू कैंप में कमांडर ने एक जोम्बी को पकड़ लिया था। ये लोग उस जोम्बी की मदद से वायरस की जांच करते हैं लेकिन डॉक्टर्स को ये वायरस समझ नहीं आता क्योंकि ये वायरस हर पल अपना रूप बदल रहा था। अब यहाँ एक सोल्जर कमांडर को आकर बताता है कि हमें एक डिटेक्टिव मिला है जो कि इस वायरस का एंटीडोट जानता है। ये सुनकर कमांडर तुरंत ही उस डिटेक्टिव के पास जाते हैं। ये डिटेक्टिव कमांडर को बताते हैं कि ये वायरस योसान स्कूल के एक टीचर ने बनाया है और इस वायरस का एंटीडोट बनाने का तरीका भी उसने अपने लैपटॉप में सेव करके रखा था जो कि योसान स्कूल के साइंस लैब में रखा हुआ है। अब ये सुनकर कमांडर सोल्जर्स को तुरंत ही हाई स्कूल जाकर लैपटॉप लाने का ऑर्डर देते हैं। यहीं उन्जी का वही डरपोक दोस्त रेस्क्यू होकर कैंप पहुंच चुका था। तभी उसे उन्जी यहां दिखती है जो कि डिटेक्टिव और उसी व्लॉगर के साथ रेस्क्यू होकर यहां आ गई थी। अब उन्जी का दोस्त उन्जी से मिलता है लेकिन उन्जी उसे फट्टू कहती है और बताती है कि डरपोक अगर तू मेरे साथ चलता तो तुझे भी मजा करने का मौका मिलता। उन्जी कहती है कि मैंने स्कूल में आग लगा दी और ये करके मुझे बड़ा सुकून मिला। ये सुनकर उन्जी का दोस्त कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। उन्जी कहती है कि मुझे भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त उसे खाना देता है लेकिन उन्जी कहती है कि मुझे तुझे खाना है। यह सुनकर वो डर जाता है। इधर बाकी सभी नामरा से डरने लगते हैं क्योंकि नामरा ने ज़ॉम्बी बनकर गुइनाम को यहाँ से फेंक दिया था। एक लड़की नामरा से पूछती है कि हम सब तेरे साथ सेफ हैं या नहीं क्योंकि अब हम सबको एक साथ ही रहना है। नामरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि मेरे कभी भी दोस्त नहीं थे इसलिए मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है। नामरा कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दोस्तों के साथ आग के पास इस तरह बैठूंगी, ये काफी अच्छा है। नामरा कहती है कि अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए तो हम दोबारा ये कैंप फायर करेंगे। ओंजो नामरा का साथ देती है। फिर वो लड़की भी नामरा की स्टोरी सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और नामरा से माफी मांगती है। तभी नामरा को कुछ आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं, इन्हें लगता है कि फिर से ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं लेकिन तभी इन्हें हेलीकॉप्टर दिखता है जो कि इनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर ये सब लोग आग दिखाकर उन्हें सिग्नल देते हैं। ये सोल्जर्स भी इन्हें देख लेते हैं जिससे ये सब काफी खुश हो जाते हैं। सोल्जर्स नीचे आते हैं और इन्हें नीचे लेटने के लिए कहते हैं। ये सब उन्हें चेक करते हैं, सभी का टेम्परेचर नॉर्मल निकलता है सिवाय नामरा के, लेकिन इन सबको लगता है कि शायद नामरा की तबीयत खराब है इसीलिए ये लोग उसे कवर करते हैं। इसके बाद सोल्जर्स इनसे कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहे हैं और तुम यहीं इंतजार करो। ये सोल्जर्स इसलिए नीचे जा रहे थे क्योंकि ये सोल्जर्स यहाँ पर साइंस लैब से मिस्टर ली का लैपटॉप लेने आए थे। अब ये सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं। रेस्क्यू टीम से कमांडर कैमरों की मदद से इन सभी को देख रहे थे। वहीं आर्चरी रूम में सभी ने हेलीकॉप्टर्स को आते हुए देख लिया था इसलिए अब ये चारों भी ऊपर जाने का फैसला करते हैं। यहीं सोल्जर्स सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वो लैपटॉप मिल जाता है। ये लोग लैपटॉप को लेकर वापस छत पर आते हैं। बेस से कमांडर इनसे कहते हैं कि अब बच्चों को रेस्क्यू करो और यहाँ ले आओ। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ कमांडर के पास आता है। वो कमांडर से कहता है कि रेस्क्यू कैंप में एक हादसा हो गया है। ये सुनकर कमांडर कैमरों की मदद से रेस्क्यू कैंप को देखते हैं और यहाँ उन्जी ने सच में अपने ही दोस्त को खा लिया होता है। ये देखकर सोल्जर्स ने उन्जी को पकड़ लिया। इसके बाद उन्जी की जांच करने पर इन्हें पता चला कि उन्जी भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स चियोंगसान और उनके दोस्तों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ा रहे थे लेकिन तभी कमांडर सोचते हैं कि कहीं उन बच्चों में से भी कोई उन्जी जैसा निकला तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कमांडर सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि सारे बच्चों को वहीं छोड़ो और लैपटॉप को लेकर आ जाओ। सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं और इन्हें यहीं छोड़कर जाने लगते हैं। सभी उनसे कहते हैं कि हमें अपने साथ ले चलो।
लेकिन सोल्जर्स इन्हें गोलियों से डराते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। इधर हारी और मिंजी भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आकर आगे बढ़ने लगती हैं। ऊपर सोल्जर्स इन बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इससे इन सभी को काफी दुख होता है। वहीं वो चारों देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स इनकी तरफ आ रहे हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर को आवाज लगाते हैं लेकिन वो इन्हें देखे बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। ये लोग तुरंत ही बचकर भागते हैं। यहीं ऑन्जो के डैड भी अपनी बेटी की तरफ लगातार बढ़ रहे थे लेकिन बीच में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो कार में फंस चुकी थी। वो आदमी ऑन्जो के डैड से मदद मांगता है लेकिन ऑन्जो के डैड उससे कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना है। ऑन्जो के डैड उस आदमी को अपनी गन और कुछ खाना देकर कहते हैं कि रेस्क्यू टीम जल्दी यहाँ आने वाली होगी, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके बाद ऑन्जो के डैड यहाँ से भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं रेस्क्यू कैंप में उन्जी को सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने उसका टेस्ट किया जिससे उन्हें पता चला कि उन्जी की बॉडी के अंदर अब भी ज़ॉम्बी वायरस की लड़ाई चल रही है और उन्जी जैसे और भी लोग योसान में हो सकते हैं। ये जानकर कमांडर इन्हें ऑर्डर देते हैं कि अभी के अभी योसान से आए सभी लोगों को बाकी लोगों से अलग कैद कर दो। इसके बाद उन्हें पॉलिटिशियन और उनके साथियों के साथ साथ डिटेक्टिव और उनके साथियों को भी अलग कैद कर दिया जाता है। फिर रात में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है जिससे इन्हें काफी समय बाद पानी मिलता है और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर बिजली की आवाज से नामरा और गुइनाम को काफी परेशानी होने लगती है। तभी चियोंगसान को आइडिया आता है कि ज़ॉम्बीज हमारी आवाज सुनकर हमारा पीछा करते हैं, लेकिन अगर हम अभी भागें तो बिजली की आवाज से वो कंफ्यूज हो जाएंगे और हम यहाँ से भाग सकते हैं। चियोंगसान सबको ये बताता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम भाग कर स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर जाएंगे। सभी को ये आइडिया ठीक लगता है और ये लोग जान चुके थे कि सोल्जर्स भी अब दोबारा इन्हें बचाने नहीं आने वाले, इसीलिए अब ये सब यहाँ से नीचे जाने लगते हैं। ये सब दोबारा नीचे आते हैं और बिजली की आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज इनके आने की आवाज नहीं सुन पाते। ये सब लोग नीचे पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। वहीं मिंजी और हारी भी अपने दोस्तों के साथ उसी पहाड़ की तरफ जाने का फैसला करती हैं। ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे। इधर चियोंगसान और बाकी सभी भी आगे भाग रहे थे लेकिन तभी चियोंगसान के सामने उसकी मॉम आती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो इन सब पर हमला करती है। चियोंगसान अपनी मॉम को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। यही उसके साथियों को ये नहीं पता था कि ये चियोंगसान की मॉम है और वो लोग बाकी ज़ॉम्बीज की तरह ही उन्हें मारने लगते हैं। अब ये सब देखकर चियोंगसान उन लड़कों को मारने लगता है और उनसे कहता है कि इन्हें मत मारो, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। सुयोग भी चियोंगसान को आकर पकड़ लेता है। तभी चियोंगसान अपनी मॉम को आवाज लगाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम है। अब ये सब लोग रुक जाते हैं। चियोंगसान को इस वक्त जितना दुख हो रहा था उसे बयां नहीं किया जा सकता। चियोंगसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। तभी ऑन्जो उसे उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे। चियोंगसान अपनी मॉम को आवाज लगाता है। उसे उसकी ज़ॉम्बी बनने से पहले की मॉम याद आ रही थी। ऑन्जो चियोंगसान को पकड़कर आगे ले जा रही थी। यही मिंजी और हारी भी आगे बढ़ रही थी। तभी इन्हें ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो कि चियोंगसान और उसके दोस्तों के पीछे पड़े हुए थे। यही दो लड़कियां साथ में भाग रही थी। तभी एक लड़की नीचे गिर जाती है लेकिन उसकी मतलबी दोस्त ज़ॉम्बीज को आता हुआ देखकर अपनी दोस्त को छोड़कर भाग जाती है। तभी इनका एक और साथी वो जिन यहाँ आता है और वो ज़ॉम्बीज से उस लड़की को बचाता है। इसी दौरान हारी यहाँ आकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। वुजिन देखता है कि ये तो मेरी बहन हारी है। हारी यहाँ आकर सारे ज़ॉम्बी से अपने भाई को बचाने लगती है। इधर वही मतलबी लड़की जो अपनी दोस्त को छोड़कर भाग गई थी अब वो अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ फाइनली हारी को उसका भाई मिल जाता है। हारी उसे बचाकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ अब दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं। फिर ये लोग ऑडिटोरियम में आते हैं लेकिन यहाँ भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि इतने सारे लोगों को देखकर उन्हें खाने आने लगते हैं। ये लोग एक रूम के अंदर भागने लगते हैं। मिंजी अपने जख्मी दोस्त को खींच रही थी लेकिन वो मिंजी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, खुद की जान बचाओ, लेकिन मिंजी उसे नहीं छोड़ती। तभी वो खुद ही उठकर मिंजी की तरफ आ रहे ज़ॉम्बीज के पास चला जाता है। हारी मिंजी को बचाकर इस रूम में ले आती है। यहाँ मिंजी का दोस्त भी अब ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाता है और हारी का दोस्त बचकर भाग जाता है। ये सब लोग इसी रूम में लॉक हो जाते हैं। मिंजी ने भी यहाँ अपना दोस्त खो दिया था इसलिए उसे काफी दुख होता है। यहीं चियोंगसान अपनी मॉम को याद करके काफी रो रहा था। यहाँ चियोंगसान के दोस्त उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि वो तुम्हारी मॉम है, नहीं तो हम ऐसा नहीं करते। चियोंगसान कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। ऑन्जो उसे संभालती है। बाहर वही लड़की जो ग्रुप से अलग हो गई थी अब उस पर भी ज़ॉम्बीज हमला करके उसे मार देते हैं जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ रेस्क्यू कैंप में कमांडर मिस्टर ली के लैपटॉप से उनकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखते हैं और मिस्टर ली उसमें बताते हैं कि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये वायरस हर पल अपने आप को बदल रहा है। इसे खत्म करने के लिए हमें ज़ॉम्बीज को जलाना होगा और इस तरह जलाना होगा कि उसका कोई भी सेल ना बच पाए। अगर एक भी सेल बच गया तो ये वायरस फिर से फैलने लगेगा। अब ये जानकर कमांडर्स योसान के बाहरी इलाकों की सिक्योरिटी को और मजबूत करने का ऑर्डर देते हैं। यही अब सोल्जर्स ने योसान में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया था। वहीं पॉलिटिशियन के पास उनकी पार्टी के लीडर आते हैं
और उन्हें पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब योसान के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब अगली सुबह हम फिर से ओंजो के डैड को देखते हैं, जो कि लगातार ही आगे बढ़ रहे थे लेकिन स्कूल के पास अब तक नहीं पहुंचे थे। यहीं स्कूल में अब ये सब लोग छत से निकलकर दूसरी तरफ फंस चुके थे। चोंगसान ने खुद को संभाल लिया था। ओंजो अभी भी उसके साथ थी और उसे दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। यहीं ओंजो के डैड उसी पहाड़ के जरिए स्कूल की तरफ आने लगते हैं। वो पेड़ों पर अपनी निशानी लगा रहे थे जिससे वो रास्ता ना भटके। यहीं सभी लोग अब परेशान बैठे हुए थे। तभी हारी का भाई अपनी बहन से बात करने लगता है, लेकिन हारी के भाई का दोस्त डेसू हारी के पास आता है और हारी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हारी उससे कहती है कि तू ही डेसू है ना, जो मेरे भाई को साले साहब कहता है। हारी अब उठती है और डेसू को बजाने लगती है। डेसू अब यहाँ रखी चीजों के पीछे छुपता है। तभी यह देखकर सुयो को एक आइडिया आता है। इधर गुइनाम चोंगसान को मारने के लिए दोबारा छत पर आता है, लेकिन उसे यहाँ कोई भी नहीं मिलता। वहीं सुयोग सबसे कहता है कि हम इन चीजों को इस्तेमाल करके एक हिलने वाली शील्ड बना सकते हैं, उसकी मदद से हम ज़ोंबी से बच सकते हैं। सभी को ये आइडिया ठीक लगता है और ये सब लोग यहाँ रखी चीजों की मदद से बैरिकेड्स बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को पता चलता है कि योसान से ज़ोंबीज दूसरे इलाके में भी घुसना शुरू हो चुके हैं। ये जानकर कमांडर तुरंत ही उन इलाकों को खाली करवाने का ऑर्डर देते हैं। इधर इस रूम में ये सब लोग अपनी बॉडी को कवर करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये सब बैरिकेड्स को बाहर लेकर आते हैं और खुद उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज बैरिकेड्स के अंदर हर तरफ से आने की कोशिश करते हैं। ये लोग ज़ोंबीज को मारते हैं और बैरिकेड्स को धक्का देकर आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबीज ऊपर चढ़ रहे थे। तभी एक लड़की को एक ज़ोंबी पकड़ लेता है। एक लड़का उसे बचाता है लेकिन ज़ोंबी उसे काट लेते हैं। ये देखकर अब वो लड़का समझ जाता है कि मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगा, इसलिए अब वो लड़का खुद ही बाहर जाता है और ज़ोंबीज को हटाकर इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देता है। वो लड़का इन्हें बचाने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस कर देता है। ये सब लोग बैरिकेड्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ोंबीज अब भी इनके पास आ रहे थे। दूसरी तरफ कमांडर को पता चलता है कि अगर वो ज़ोंबीज को नहीं मारेंगे तो ज़ोंबीज बाकी शहरों में भी फैल जाएंगे। ये जानकर कमांडर अब डिसाइड करते हैं कि वो योसान पर बम गिराकर सारे ज़ोंबीज को जलाकर खत्म कर देंगे। अब इसके बाद हम फिर से ओंजो के डैड को देखते हैं। वो स्कूल के पास पहुंच चुके थे। इधर ये सभी लोग बैरिकेड्स की मदद से ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ओंजो और सुयोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, बाकी सभी ज़ोंबीज को रोक रहे थे। तभी सुयोग भी ज़ोंबीज को रोकने चला जाता है। ओंजो अकेले ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजा खुलता है और उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। ओंजो अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है। ये सब लोग तुरंत यहाँ से बाहर आते हैं। इधर गुइनाम चोंगसान को ढूंढते हुए आर्चरी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे चोंगसान नहीं मिलता। यहाँ गुइनाम को हारी का दोस्त मिलता है। गुइनाम उसे चोंगसान के बारे में पूछता है। यहीं चोंगसान और बाकी सभी बाहर आ चुके थे। ओंजो के डैड सबसे कहते हैं कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ जाकर बच सकते हैं। अब तभी इन सभी लोगों की तरफ भी ज़ोंबीज आने लगते हैं। ये लोग पहाड़ की तरफ भागते हैं और भागते हुए एक ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन ज़ोंबीज चारों तरफ से अंदर आने लगते हैं। ये सब लोग ज़ोंबीज को मारते हैं। तभी ओंजो के डैड सारे ज़ोंबीज को अपनी तरफ बुलाते हैं। यहाँ ये सब दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगते हैं। ओंजो के डैड चोंगसान से ओंजो को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ जाकर ज़ोंबीज को अपनी तरफ बुलाते हैं। ओंजो अपने डैड के लिए काफी परेशान थी। तभी सुयोग और चोंगसान ओंजो को बाहर ले जाते हैं। ओंजो के डैड खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़ोंबीज ने काट लिया था। ओंजो के डैड ओंजो और बाकी सबसे यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। ओंजो के डैड को भी ज़ोंबीज खाने लगते हैं। सभी लोग ज़ोंबीज से बचकर भागते हैं और एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ अभी काम चल रहा था, लेकिन यहाँ भी ज़ोंबीज थे, इसीलिए ये सब लोग बिल्डिंग के ऊपर आकर छुपते हैं। यहाँ अब ओंजो ने अपने डैड को खो दिया था और उसका भी वही हाल हो जाता है जो कुछ समय पहले चोंगसान का था। चोंगसान उसके दुख को समझ सकता था, इसीलिए वो ओंजो को संभालता है। वहीं ओंजो के डैड भी अब ज़ोंबी बन चुके थे। यहीं गुइनाम ने उस लड़के को काटकर उससे पता कर लिया था कि चोंगसान और बाकी सभी कहां गए हैं। इसके बाद वो लड़का भी ज़ोंबी बन जाता है। इधर ये सब लोग दोबारा एक और जगह आकर फंस चुके थे। यहाँ अब हारी और मिंजी आगे देखने जाती हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। यहाँ ओंजो ने खुद को संभाल लिया था। दूसरी तरफ गुइनाम भी अब इनकी तरफ आने लगा था। वहीं कमांडर ने अब डिसाइड कर लिया था कि ये सब लोग चार जगहों पर ड्रोन की मदद से विस्फोट करेंगे। कमांडर सोल्जर से कहते हैं कि बम गिरने से पहले योसान में बम गिरने के अनाउंसमेंट करते रहो, ताकि अगर कोई भी जिंदा हो तो वो बचकर निकल जाए। अब इसके बाद हम फिर से बाकी सबको देखते हैं। यहाँ नामरा भी ज़ोंबी बन रही थी। उसका खुद से कंट्रोल हट रहा था। वो सुयोग को काटने वाली थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अपने ही हाथ पर काट लेती है। ये देखकर सुयोग नामरा को शांत कराता है। इसके बाद नामरा को बम गिरने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। नामरा सबको बताती है कि शहर में बम गिरने वाले हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जानकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। इधर कमांडर ने कई सारे ड्रोन शहर की तरफ भिजवा दिए थे, जिससे तेज आवाज निकल रही थी और ज़ोंबीज ड्रोन का पीछा करने लगे थे। दूसरी तरफ गुइनाम फिर से चोंगसान के पास पहुंच जाता है। गुइनाम इस बार चोंगसान को पकड़कर मारने लगता है।
वो चोंगसान के हाथ पर काट लेता है। तभी ड्रोन से निकलने वाली आवाज नामरा और गुइनाम को सुनाई देती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मौके का फायदा उठाकर चोंगसान गुइनाम को नीचे गिरा देता है। यहीं शहर के सारे ज़ॉम्बीज चार जगहों पर इकट्ठा हो चुके थे और ये देखकर कमांडर उन जगहों पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर देते हैं। इधर चोंगसान को गुइनाम ने काट लिया था, इसीलिए अब वो जानता था कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। चोंगसान ये सब समझ जाता है। अंजो चोंगसान को दिलासा देती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब चोंगसान अंजो और बाकी सबको बचाने के बारे में सोचता है। चोंगसान अंजो को अपना नेम टैग देता है और उससे कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। चोंगसान के पास अंजो का नेम टैग पहले से ही होता है। अब चोंगसान अंजो को गले लगाता है और आखिरी गुड बाय कहकर सुयोग को उसके हाथों में सौंपता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। चोंगसान सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं। इससे बाकी सबका रास्ता साफ हो जाता है और ये सब लोग यहाँ से भागते हैं। चोंगसान सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे बिल्डिंग की छत पर ले जा रहा था। अब छत तक पहुंचकर चोंगसान एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ ज़ॉम्बीज उस तक नहीं पहुंच पाते और नीचे गिरने लगते हैं। इधर गुइनाम अब भी नहीं मरा था और वो दोबारा उठकर ऊपर आने लगता है। यहीं बाकी सब बिल्डिंग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन गुइनाम फिर से चोंगसान के पास पहुंच जाता है। यहाँ चोंगसान उससे कहता है कि तू खुद को हीरो समझ रहा होगा, लेकिन असल में तू फट्टू और लूजर है। अब चोंगसान यहाँ मट्टी उठाता है और उसकी आंखों में डालकर उसे मारने लगता है। इन दोनों के बीच यहाँ एक तगड़ी फाइट होती है, लेकिन गुइनाम चोंगसान को मार रहा था। गुइनाम अब चोंगसान की भी आंख इंजर्ट कर देता है और अपना बदला ले लेता है। चोंगसान काफी तड़पने लगता है। तभी कमांडर चारों जगहों पर बम गिरवा देते हैं, जिससे योसान में धमाके होते हैं। इनका स्कूल जलकर तबाह हो जाता है और बॉम्ब की आग उसी बिल्डिंग की तरफ भी आती है। चोंगसान गुइनाम को अपनी शील्ड बनाकर नीचे गिर जाता है। इधर इन सब के ऊपर भी धमाके में उड़े पत्थर आकर गिरते हैं, लेकिन ये सब लोग अपने आप को बचा लेते हैं। यहीं इन सोल्जर्स के कमांडर इतना भयानक नजारा देखने के बाद फ्रीज हो जाते हैं। उनके साथी उनसे कहते हैं कि ये मिशन पूरा हो चुका है। यहाँ कमांडर अंदर से काफी दुखी थे, क्योंकि अभी उनके दिए ऑर्डर की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन वो एक कमांडर थे इसीलिए वो अपने इमोशन शो नहीं करते। मगर कमांडर अब अपने एक और साथी को आगे के सारे मिशन का कमांडर बना देते हैं और खुद यहाँ से चले जाते हैं। वो पॉलिटिशियन के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने योसान पर बम गिराए हैं। ये सुनकर वो पॉलिटिशियन कमांडर का गिरबान पकड़ लेती हैं और उनसे कहती हैं कि तू एक मर्डरर है, तूने न जाने कितने लोगों को मार दिया। कमांडर कहते हैं कि मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि इन हालातों में बचे हुए योसान के लोगों को कोई लीडर चाहिए होगा। इसीलिए जब आप उनके सामने जाओ तो उनसे कहना कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद कमांडर यहाँ से भी चले जाते हैं। वो अपने केबिन में आते हैं और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपनी वाइफ से कॉल पर बात करते हैं। इसके बाद कमांडर खुद को शूट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम खंडर बन चुकी उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कुछ देर पहले चोंगसान और गुइनाम के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि जल चुके थे और उनके ऊपर राख गिरी हुई थी। इसी जगह पर हम ऑनजो के नेम टैग को देखते हैं जो कि चोंगसान के पास था, लेकिन चोंगसान यहाँ नहीं दिखता। वहीं रेस्क्यू कैंप में सभी लोग परेशान थे, वो अपने शहर को जलता हुआ देख रहे थे। यहीं बाकी सब भी बच गए थे, लेकिन जंगल से वो भी शहर को जलता हुआ देखकर काफी दुखी थे। अब ये सब सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। सुबह जब योसान में आग जलना बंद हो जाती है तो ऑनजो चोंगसान को देखने वापस उसी बिल्डिंग में आती है। नामरा और सुयोग भी उसके साथ आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें चोंगसान नहीं मिलता, जिससे वो और दुखी हो जाती है। नामरा ऑनजो को संभालती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये सब लोग रेस्क्यू कैंप की तरफ जाने लगते हैं। यहीं अब सोल्जर्स भी दोबारा शहर में आ चुके थे। वो बचे हुए ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इधर ये सभी लोग जंगलों में खो चुके थे, लेकिन तभी उन्हें ऑनजो के डेड की लगाई हुई वही निशानियां दिखती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए ये सब जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग योसान के पास मौजूद एक शहर में आ जाते हैं, लेकिन ये शहर भी खाली पड़ा था। अब तभी नामरा को ज़ॉम्बीज की आवाज आती है। नामरा सबको बताती है कि ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जानकर ये सब लोग एक शॉप के हथियार उठा लेते हैं और अब सभी लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर जब ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आते हैं तो ये लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। नामरा भी अपनी ताकत दिखाती है और एक ही बार में ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। तभी फाइट करते हुए एक ज़ॉम्बी हारी के पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन हारी का भाई वुजिन बीच में आकर अपनी बहन को बचा लेता है। मिंजू और डेसू ज़ॉम्बी को हटाकर हारी के भाई को छुड़ाते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था, जिसे अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। लेकिन कोई भी वुजिन को नहीं मार सकता था क्योंकि वो हारी का भाई था, लेकिन फिर वो भी ज़ॉम्बी बनकर हारी पर हमला करने वाला था। तभी नामरा यहाँ आकर उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसका खेल खत्म कर देती है। सुयोग भी यहाँ आ जाता है। डेसू और हारी वुजिन को खोने से काफी दुखी थे। अब हारी हथियार लेकर सारे ज़ॉम्बीज को मारने जाने लगती है। हारी काफी गुस्से में थी, लेकिन नामरा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ अब नामरा भी ज़ॉम्बी बन रही थी
और वो भी इंसान को खाना चाहती थी, जैसे गुइनाम और उन्जी ने इंसान को खाया था। लेकिन नामरा खुद पर कंट्रोल रखती है। ये सब दोबारा से यहाँ से भागने लगते हैं। तभी नामरा पीछे रह जाती है। वो सुयो को खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो रुक जाती है और एक दीवार के पास आकर अपने हाथ पर काट लेती है। वहीं वो सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी सुयोग देखता है कि नामरा पीछे रह चुकी है। सुयोग और ओंजो अब नामरा को ढूंढने वापस आते हैं। तभी यहाँ इन्हें नामरा मिलती है, जो कि एक मरे हुए ज़ोंबी को खा रही थी। नामरा का खुद पर से कंट्रोल हट चुका था। वो ओंजो को देखकर ओंजो की तरफ भागती हुई आती है और उस पर हमला कर देती है। नामरा ओंजो के काटने वाली थी। सुयोग उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। सुयोग उसे मारने के लिए एक शोवल उठाता है, लेकिन सुयोग नामरा को नहीं मार पाता। नामरा किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहती थी। इसके बाद नामरा इन सबसे दूर चली जाती है। सुयोग और ओंजो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन नामरा इन्हें नहीं दिखती। नामरा इन दोनों से छुपकर वापस अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग जंगल से बाहर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें सोल्जर्स मिलते हैं। ये सब लोग उनके सामने सरेंडर करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहां इन सभी को अपने दोस्त याद आ रहे थे, जिन्होंने इन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। अब सोल्जर्स इन्हें भी रेस्क्यू करके रेस्क्यू कैंप में ले आते हैं। ओंजो काफी दुखी थी। तभी ओंजो के डैड के साथी ओंजो को देखकर ओंजो से कहते हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। ओंजो उनसे कुछ भी नहीं कह पाती और वो खुद ही सब कुछ समझ जाते हैं। इसके बाद इन सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये लोग ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताते। फिर इन लोगों को भी योसान के बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां अब हालात ठीक होने लगे थे। ज़ॉम्बीज लगभग खत्म हो चुके थे और योसान में लगाए गए मार्शल लॉ को भी हटा दिया गया था। सभी लोग अपनी कैद से बाहर आ चुके थे। ओंजो बाहर आने के बाद काफी खुश थी, लेकिन इन सबको अभी भी क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था। अब रात में ओंजो रेस्क्यू कैंप से भागकर जंगल में एक पेड़ के पास जाती है, जहां उसने अपने सभी दोस्तों के नाम एक रिबन पर लिखकर लगाए थे, जो ज़ॉम्बी वायरस के दौरान मर गए थे और इनसे अलग हो गए थे। ओंजो के पास चियोंगसान का नेम टैग भी होता है और ओंजो अब भी चियोंगसान को याद कर रही थी। तभी पहाड़ से ओंजो स्कूल की छत को देखती है, जहां कोई आग जलाकर बैठा हुआ था। ओंजो को लगता है कि शायद ये नामरा होगी, इसलिए अगली सुबह ओंजो सुयोग के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। ओंजो कहती है कि शायद नामरा अब भी जिंदा होगी। ओंजो सुयोग से कहती है कि आज रात हम यहाँ से भागकर स्कूल में जाएंगे। इसके बाद रात में इनके सभी साथी दोबारा से इकट्ठा हो जाते हैं और उसी पेड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ इन सबको दोबारा से स्कूल की छत पर आग जलती हुई दिखती है। ये सब लोग वापस स्कूल आते हैं। रास्ते में इन्हें कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता, इसलिए ये सब लोग आसानी से स्कूल में पहुंच जाते हैं। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था और ये देखकर इन्हें काफी दुख होता है। फिर ये सब लोग स्कूल की छत पर आते हैं, जहां इन्हें आग जलती हुई मिलती है। इसके बाद इन सभी लोगों के सामने नामरा आती है, जो कि अब भी जिंदा थी। नामरा काफी खुश थी और उसने अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल भी कर लिया था। सभी लोग नामरा को देखकर खुश हो जाते हैं। वो नामरा से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन नामरा कहती है कि यहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसे ही कई सारे और भी लोग यहाँ हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल कर लिया है। नामरा इनसे कहती है कि देखो वो सब आ गए। अब नामरा भागती हुई बिल्डिंग से डायरेक्ट नीचे कूद जाती है और ये देखकर ये सब लोग चौंक जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये थी ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेल, इस सीरीज का 2nd सीजन अभी तक नहीं आया है और इसके आगे की कहानी इसके 2nd सीजन में कंटिन्यू होगी। तो अगर आप इसके 2nd सीजन को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका 2nd सीजन आएगा तो मैं अपने चैनल पर उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।